हेलो बच्चों, एमबीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन, जिसके अंतर्गत हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं जीवन अवधि। जीवन अवधि, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, जीवन अवधि, जितने दिन जीव जिएगा वही उसकी जीवन अवधि होगी, लाइफ स्पेन्स। तो इसकी परिभाषा अपन कैसे देख सकते हैं, किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय उसका जीवन काल कहलाता है या जीवन अवधि कहलाती है। इसको हम नोट कर लेते हैं। किसी जीव के जन्म से लेकर उसके उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय उस जीव का जीवन अवधि या जीवन काल कहलाता है। अलग अलग जीव की अलग अलग जीव की जीवन अवधि अलग अलग हो सकती है। जैसे तितली का जीवन काल 1 से 2 हफ्ते होता है, मनुष्य का जीवन काल लगभग 100 वर्ष माना गया है, कछुए का जीवन काल लगभग 150 वर्ष माना गया है, तोते का जीवन काल तोते का जीवन काल लगभग 140 वर्ष माना गया है। इसी प्रकार से अलग अलग जीवों के जीवन काल अलग अलग हो सकते हैं, परंतु एक विशिष्ट बात है कि कुछ जीवों के जीवन को जीवन काल अमर माना जाता है, कुछ जीवों को, जैसे कुछ जीवों को जीवों को अमर मानते हैं, जैसे अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है और एक कोशिकीय जीवों में हमेशा कायिक जनन पाया जाता है। लगभग एक कोशिकीय के जीवों में हमेशा लगभग कायिक जनन पाया जाता है, और इनके अंदर जो एक कोशिका होती है वो विभाजित होकर
विखंडित होकर दो नए जीवों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से इसकी मृत्यु नहीं होती है और इनके विभाजन के द्वारा लगातार ये अपनी संख्या में वृद्धि करते रहते हैं। इस प्रकार ये अमर माने जाते हैं। हमारे वीडियोस को लगातार पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि नए आने वाले वीडियोस आपको लगातार रूप से प्राप्त होते रहें। थैंक यू।